लड़के हैं तो उनके पीछे लड़कियों की संख्या जो है वो 918 917 किसी स्टेट में बहुत ही कम, और जैसे हमारा हिमाचल है तो 964, इस तरह से संख्या अनुपात जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो चलाए गए ताकि बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षित किया जा सके, उनको उनके अंदर जागृति आए घर में परिवार में। देखो बच्चों, आपको पता है हमारा जो भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। आज भी हम इस मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं कि बेटा और बेटी बराबर होते हैं, ऐसा गांव में जो घरों में ऐसा नहीं माना जाता, लेकिन ये मानसिकता हमें बदलनी होगी। बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है ये हमें समझना होगा। आपके घर में भी अगर एक भाई है, हो सकता है आपके साथ भी कभी पक्षपात होता हो कि भाई को ज़्यादा मिला और आपको कोई चीज़ दी है कम मिल रही है। जब आप घर में हैं आपकी मदर आपको कहती है कि खाना बनाना आपका काम है, खाना बनाना सीखो, भाई का काम नहीं है खाना बनाना। तो ये चीज़ जो है, ये मानसिकता जो है, इस मानसिकता से अब हमें बाहर निकलना है। बेटा और बेटी बिल्कुल बराबर है। अगर बेटी को खाना बनाना आना चाहिए तो बेटे को भी खाना बनाना जरूर आना चाहिए। अगर बेटी को झाड़ू लगाना उसका काम है तो बेटे को भी कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए अपने घर की सफाई करने में, झाड़ू लगाने में। तो बच्चों, इसी उद्देश्य को लेकर ये हमारे स्कूल में ये मनाया जा रहा है, ये पखवाड़ा मनाया गया, आज इसका अंतिम दिन है। तो मैं आप बच्चों से एक ही अनुरोध करूंगी कि आपके घर में अगर आपको लगता है कि इस तरह से कोई भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, तो आपने अपने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करनी है कि हम बराबर हैं। ईश्वर ने हमें लड़का लड़की एक जैसा पैदा किया है, सब कुछ एक जैसा दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें महिलाओं को फिजिकली कम दी हैं, फिजिकली हमें कमज़ोर बनाया है ईश्वर ने। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा था कि हम लड़कियों के पास एक ही ताकत है, वो है हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति। वो जो इच्छा शक्ति है, आप देख सकते हैं कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है। आपको शायद पता है, आप सब बच्चों को, कि हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला है। पता है आप बच्चों को? उसका नाम भी पता है आपको? उनका नाम क्या नाम है बताएंगे? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की प्रथम नागरिक कहलाती है। हमारे देश का पहला सिटीजन जो है वो हमारी राष्ट्रपति महिला है। इसी तरह से हमारे देश में और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट जो हैं उन पे महिलाएं हैं। हमारे अगर हम हमीरपुर की बात करें तो हमारे डीसी, जो हमारे हमीरपुर की जो डीसी हैं, नाम पता है बच्चों आपको उनका? कोई बताएगा नाम? डीसी का नाम श्रीमती देव श्वेता बालिक। और इसी तरह से हमारी एसपी श्रीमती आकृति शर्मा, वो भी एक महिला है। एसडीएम भी महिला है अब। तो बच्चों, ये बहुत ही गर्व करने की बात है। आप लड़कियों को उनसे सीखना है कि अगर वो वहाँ इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुँच सकते हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं। तो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें ये लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो खत्म किया जा सके, लड़कों और लड़कियों में जो भेदभाव हमारे समाज में होता है उसको कम किया जा सके। बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं, लड़कियों के खाते में पैसे आते हैं, और जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको बंद करने के लिए बहुत सारे जो उपाय हैं वो किए गए हैं। आपको शायद पता होगा कि लड़कियों को पहले ही उनके गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही ये टेस्ट करके कि लड़की है उसको मार दिया जाता है, मार दिया जाता था पहले, लेकिन अब जो है वो इसमें बहुत कड़े कानून बन गए। अगर ऐसा पता लगता है कि कोई हॉस्पिटल ऐसा करता है, कोई डॉक्टर ऐसा करता है, चेक करता है, तो उसको बहुत बड़ी सजा जो है वो होती है, उसका लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाता है। तो बच्चों, आपके दिमाग में सिर्फ एक भावना जो है वो होनी चाहिए, लड़कों के लिए मैं कह रही हूँ, कि हम सब बराबर हैं। हम भाई बहन जो हैं घर में परिवार में, हम एक जैसे हैं, एक जैसा काम करें। अगर लड़के बाहर का काम कर सकते हैं, सब्जी ला सकते हैं, तो लड़कियां भी ला सकती हैं।
अगर लड़के जो है वो बाहर कोई बिजली का स्विच ठीक करना है, वो कहता जाता है ये लड़कों का काम है, तो वो लड़कियां भी कर सकती हैं। अगर आपके घर का फ्यूज उड़ गया है, आप कहा जाता है भाई को बुलाओ, नहीं आप खुद कहें हम सीखेंगे ये काम, हम भी ये काम कर सकते हैं। तो कोई भी काम जो है वो ऐसा नहीं है उसको अलग कर दिया हमने, जेंडर वाइज कर दिया, ये लड़कों का है ये लड़कियों का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल एक जैसे हैं, आप एक जैसा काम कर सकते हैं। कोई भी कमी जो है वो आपको किसी चीज़ में सरकार की तरफ से, स्कूल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहीं कभी भी नहीं होती है कि ये चीज़ जो है वो लड़कों को दी जाएगी और लड़कियों को नहीं दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो थोड़ी सी बातें आपको बताई हैं आपको समझ में आई होंगी और आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। लड़कों से भी मैं कह रही हूँ कि आपने भी घर के सारे काम सीखने हैं बेटा। अगर आटा गूंदना लड़कियों को आना चाहिए तो लड़कों को भी आना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं कि जब कोरोना काल में मेरे दोनों बच्चे घर में थे तो मैंने अपने बेटे को भी कहा कि बच्चे ये आटा गूंदना आपको भी आना चाहिए, खाना पकाओ, बर्तन साफ करो, तो सब काम मैंने अपने बेटे से भी करवाया। तो ऐसा नहीं है, कोई पता नहीं होता है कब आपको कहीं अकेले रहना पड़ जाए, तो आप कभी इसके निर्भर नहीं रहेंगे कि आपको खाना कौन बनाएगा। तो बच्चों से, लड़कों से भी मैं अनुरोध कर रही हूँ कि अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि हम बहुत ही सुपीरियर हैं, हम अलग हैं सबसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बेटियाँ भी आप ही के बराबर हैं। तो ये बेटा जो है वो अगर एक घर की इज्जत होता है तो बेटियाँ आगे चलकर दो घरों की इज्जत बनती हैं, दो घरों का मान सम्मान जो है वो बढ़ाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।